गुरु जी को अलग आदेश मां भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज का मंत्र विधान बहुत ही सिंपल है। विपरीत के बारे में आप लोग पूछ भी रहे थे और विपरीत प्रतंगिरा के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है उस विधान और इस विधान में यह अंतर है कि ये विधान आपकी सुरक्षा के लिए पहले जो विपरीत प्रतंगिरा का मैंने वीडियो बनाया था जिसमें प्रतंगिरा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ क्या प्रयोग था क्यों देवताओं ने इनका आवाहन किया था ये सब मैंने बताया था आज के वीडियो में सीधे विधान पर चलेंगे और जानेंगे कि विपरीत प्रतंगिरा के प्रयोग से आपका जान कैसे बच सकता है आपके ऊपर अगर किसी तरीके का अभिचारिक तंत्र का प्रयोग हो रहा है तो वो कैसे रुक सकता है अगर ग्रहों का दुष्प्रभाव है तो वो कैसे रुक सकता है और अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो कैसे रुक सकता है देखो प्रतंगिरा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भगवती महामाया है उनका जो विरोधा भास है जो विरोध विरोधनी है उसी को प्रतंगिरा बोलते हैं तो जो भगवती के गुण हैं ठीक उसके उल्टे गुण होते हैं प्रतंगिरा के मतलब भगवती महामाया का गुण है कि वो सृष्टि का संचालन करती हैं वो जो जीवनदायक जो शक्ति है वो लोगों में प्रदान करती है प्रतंगिरा ठीक उसके उल्टा डिस्ट्रक्शन का काम करती है तो प्रतंगिरा का जहाँ भी आह्वान होता है वहाँ डिस्ट्रक्शन होता है तो आपका अच्छा खासा व्यापार चल रहा है प्रतंगिरा के आवाहन से वो रुक जाएगा आपका परिवार खुशहाल है प्रतंगिरा के आह्वान से वो रुक जाएगा ठीक है तो जो भी काम रुकना शुरू हो विरोध चलने लगे जीवन में तो वो प्रत्यंगरा शक्ति होती है प्रतंगरा शक्ति को रोकने के लिए फिर हम क्या करते हैं विपरीत प्रत्यंगरा का प्रयोग करते हैं विपरीत प्रत्यंगरा से जो प्रत्यंगरा शक्ति है वो रुक जाती है तो विपरीत प्रत्यंगिरा का प्रयोग होता है किसी भी तरीके का विपरीत शक्ति मतलब कि अगर आपके ऊपर किसी तरह का काला जादू हो या ग्रह आपके विपरीत हो किसी भी तरीके के विपरीत शक्ति को रोकने के लिए हम विपरीत प्रत्यंगरा का प्रयोग करते हैं तो कैसे करनी है साधना इसमें बहुत सारा विधान मैंने पहले भी आप लोगों को बताया सबसे पहले हृदय में भगवती का ध्यान करेंगे ठीक है भगवती काली और उनके दो दांत बाहर निकले हों ऐसा भगवती का ध्यान करना है चार हाथों में एक में खड़ग लिए हुई है एक में कपाल है एक में डमरू है एक में त्रिशूल है भगवती भद्रकाली काली स्वरूपा है और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट है केश भगवती के पीले हैं ठीक है और बहुत भयंकर दिखाई दे रही है लेकिन आपको प्रार्थना करना है भगवती आप मेरा कल्याण करो ठीक है उसके बाद पंच पूजा का सामग्री रख लेना एक दीपक जला लेना घी का ठीक है तीन अगरबत्ती जलाना नवेद निवेदन देना शुद्ध आ, अगर खीर हो या फिर शुद्ध छेने का मिठाई हो तो वो भगवती को बहुत पसंद है तो वो नवेद में लगाना अपने बाएं दाएं हाथ में जल ले लेना और उसके बाद बोलना ओम अश्वश्री श्री विपरीत प्रतंगिरा मंत्र भैरव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री विपरीत प्रतंगिरा देवता मम अभीष्ट सिद्धार्थे जपे विनय योग ठीक है ऐसा बोल करके जल को नीचे गिरा देना उसके बाद भगवती का न्यास करेंगे ये पहले भी बताया है ओम एम अंगूष्टाभ्याम नमः तो अंगूठे को छुएंगे ठीक है अपने कनिष्ठ का उंगली से उसके बाद ओम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः तो अंगूठे से फिर तर्जनी को छुएंगे ओम श्री मध्याभ्याम नम ओम प्रत्यंग अनामिकाभ्याम नम ओम मम रक्षा रक्षा कनिष्ठ काभ्याम नम इस तरीके से पांचों उंगली को हम छुएंगे और अंत में दोनों हाथों को एक दूसरे से स्पर्श कराएंगे ओम मम शत्रुन भंजया भंजया करताल कर पृष्ठाभ्याम नमः ठीक है तो ऐसे करने आस करेंगे उसके हृदयास करेंगे कैसे करेंगे ओम एम हृदय नम हृदय का स्पर्श करेंगे ओम रिम सिर से स्वास सिर का स्पर्श करेंगे मतलब मस्तक का ओम श्री शिखाया वसटा तो शिखा को छुएंगे स्पर्श करेंगे ओम प्रत्यंगिर कवचाय हुम ऐसा में जो राइट हैंड है उसको लेफ्ट कंधे पर रखेंगे और जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट कंधे पर रखेंगे और बोलेंगे ओम प्रत्यंगरे कवचाय हुम इससे कवच बन जाता है उसके बाद तीनों नेत्र का स्पर्श करेंगे मतलब आ, मध्यमा से त्रिनेत्र का और उसके अगल बगल वाली उंगली से लेफ्ट और राइट आँख का और बोलेंगे ओम माम रक्षा रक्षा नेत्राय वसठ ठीक है और उसके बाद ओम मम शत्रुन् भंज भंज अस्त्राय फट इसमें दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को बाएं हाथ की हथेली पे तीन बार ताली बजाते हैं ऐसे ठीक है तो ये अस्त्र का जागरण हो जाता है उसके बाद हाथ में एक रुद्राक्ष का माला ले लेना या कोई भी माला ले लेना और उसके बाद उस से जो दशो दिशाएँ हैं उसका बंधन भी करना है होगा तो लेफ्ट हैंड में हम माला को रखेंगे और ओम भूर्भ्व स्व इस मंत्र से दशो दिशाओं का बंधन करेंगे कैसे करेंगे दशो दिशाओं में ओम भूर्भ्व स्व बोल करके एक एक बार चुटकी बजाएंगे ठीक है उसके बाद जो रुद्राक्ष की माला है उससे 108 बार मूल मंत्र का जाप करेंगे पहले भी मैंने वीडियो में मूल मंत्र बताया है। क्या है मूल मंत्र मूल मंत्र है ओम ऐम ह्री श्रीम प्रतंगिरे मक्ष रक्ष मम शत्रुन भंजया भंजया फे हुम फट स्वाहा ये मूल मंत्र है ये मंत्र रक्षा वाला नहीं है ये मूल मंत्र है इसका एक सौ आठ बार जाप करना है रक्षा मंत्र से पहले क्या मंत्र है ओम ऐम रिम श्रिम प्रतंगिरे माम रक्ष रक्ष मम शत्रुन भंजया भंजया फे हुम फट स्वाहा ये एक सौ आठ जाप कर लिया उसके बाद भगवती को प्रणाम करेंगे और उसके बाद रक्षा मंत्र जो है वो कम से कम तीन माला पढ़ा जाता है तो क्या है रक्षा मंत्र रक्षा मंत्र को माला मंत्र भी बोलते हैं रक्षा मंत्र है ओम 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 कुम कुम, कुम माम शाम खाम चाम लाम छाम ओम ह्रिम ह्रिम ओम ओम ह्रिम वाम धाम माम शाम रक्षाम कुरु ओम ह्रिम ह्रिम ओम सह हुम ओम छोम वाम लाम धाम माम शाम रक्षाम गुरु ओम ओम हुम प्लुम रक्षाम गुरु ठीक है तो ये मंत्र है इस मंत्र से आपको भगवती प्रतंगिरा का रक्षा कवच प्राप्त होता है एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये मंत्र बोल के सुना देता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी बीज का प्रयोग है मंत्र सुनिए ओम 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 कुम 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 माम शाम खाम चाम लाम छाम ओम ह्रिम ह्रिम ओम ओम ह्रिम वाम धाम माम साम रक्षाम गुरु ओम रिम, रिम, ओम, सह ओौ वाम लाम धाम माम साम, रक्षाम गुरु ओम ओम हुम प्लुम रक्षाम गुरु ठीक है इस मंत्र का आप लोग तीन माला जाप करेंगे तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे हर तरीके के तंत्र और परतंत्र से आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर आ जाइए उसमें आप सर्च करेंगे रुद्रनाथ एट सी एम तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा आप डायरेक्ट भी मुझसे फोन करके बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अघोर तंत्र हस्य डॉट एक्स पर उनसे संपर्क कर सकते हैं आज के लिए इतना ही भगवती आप लोगों को की रक्षा करें ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश